वेल हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क गेमिंग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हार्डकोर सर्वाइवल के एक और एपिसोड में। सो वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स। सो बेसिकली इस एपिसोड में हम करने वाले हैं ब्रीडिंग साइबर टूथ का, जो पिछले एपिसोड में हम एम किए थे। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जैसा बना चुका हूँ, और कॉर्नर में है हमारा इक्वस, और वहाँ पे है हमारा छोटे छोटे डेनोस, यहाँ पे दो डोडो है और एक कॉम्पी, और यहाँ पे है हमारा डिलोफोसोरस है। और बेसिकली इस एपिसोड में हम कुछ टेम वेम नहीं कर रहे हैं, हम जल्दी ही साउदर्न के में जाने वाले हैं, इसलिए मुझे एक हाई लेवल का साइबर टूथ चाहिए, क्योंकि मैं हार्डकोर सर्वाइवल पे खेल रहा हूँ ना, इसलिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। सो ये देखो मेरा 263 का हो चुका है और ये 206 का हो चुका है। और इस चैनल पे हम ब्रीडिंग ही नहीं किए हैं, हाँ एक बार ब्रीडिंग किए थे डोडो का, बस वही एक ही था, बट इस बार हम ब्रीडिंग करने वाले हैं। सो चलो बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले इसके अंदर जो खाना है वो सभी निकाल लेता हूँ और ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं इनके। ब्रीडिंग करवाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सो इसके अंदर भी खाना डाल दिया तो ठीक है। चलो आप एनिमल वाले ऑप्शन पे जाइए, आपको एक ये मिलेगा एनिमल वांडरिंग, उसको एनिबल कर दीजिए, मतलब राइट क्लिक कर दीजिए उसके ऊपर। सो इसको भी ऑन किया। सो ये देखो हार्ट सिंबल आ रहा है और यहाँ पे मेटिंग प्रोसेस दिखा रहा है आपको। सो ये 100% होने के बाद आपको एक बच्चा मिलेगा। कुछ डेनोस रहते हैं वो अंडा देते हैं, उसको हैच करना पड़ेगा, जैसे कि रैक्स और कॉडजिल उस तरह का डेनोस अंडा देते हैं, बट साइबर टूथ और कुछ डाइनोस जो रहते हैं ना डेरोल्फ उस तरह का, वो डायरेक्टली बच्चा देते थे। सो उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है, मतलब ब्रीड कराना है इनका। सो चलो जल्दी ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी 30% हो चुका है तो हो जाएगा। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई आपका वीडियो क्यों लेट आ रहा है, 3-4 दिन होने के बाद आ रहा है। सो इसका रीज़न यही है कि मुझे सर्दी हुआ था, इसलिए अभी भी सर्दी है, बट कोई बात नहीं, वीडियो बना देता हूँ, कोई बात नहीं। सो और इन रैप्टर को भी हम ये करने वाले हैं, ब्रीडिंग करने वाले हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इनका ज़रूरत तो है रैप्टर का ब्रीडिंग करने के बाद। इसका स्टैट्स तो ऑलरेडी ठीक ठाक है, और हम रैप्टर को ज़्यादा यूज़ भी नहीं करने वाले, क्योंकि इसका वेट जो रहता है ना बहुत ही कम रहता है। इसका वेट देख ही सकते हो 200 का था। सो ये कितना है, ओके 65% हो चुका है, तो कोई बात नहीं, चलो जल्दी हो जाएगा। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम केव एक्सप्लोरेशन पे नहीं जाने वाला है, क्योंकि आसपास में एक थेरिजिनोसोरस घूम रहा है, सो बेसिकली उसको टेम करना होगा हमें, क्योंकि हमारे पास वुड तो कलेक्ट करने के लिए कोई जानवर नहीं है, मतलब ठीक ठाक से जानवर नहीं है। थैच तो कलेक्ट कर लेता है हमारा ट्रेसर टॉप्स स्पाइकी ने कलेक्ट कर लेता है आसानी से, बट वुड जो है ना वो मुझे ही कलेक्ट करना होगा। सो इसलिए थोड़ा दिक्कत होने वाला है। सो इसलिए हम नेक्स्ट एपिसोड में थेरिजिनोसोरस को टेम करने वाला है। घर के पास ही एक 30 लेवल का घूम रहा था, बट उसको मैं टेम नहीं करने वाला। ओके बच्चा आ चुका है, ओके ये पता नहीं था मुझे, ओके वेट करना पड़ेगा 24 मिनट्स तक, अरे यार एक दिन का पूरा वेट करना पड़ेगा। सो कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। सो इन दोनों का एनेबल वॉन्डरिंग बंद कर देते हैं। सो बॉय सिंगल्स पे 24 मिनट्स होने के बाद आपको मिलता हूँ। सो उतने देर तक थोड़ा काम कर लेता हूँ मैं। सो ओके बॉय सिंगल्स, आई एम बैक। तो हमारा साइबर टूथ का बच्चा निकलने वाला है। सो अभी भी 25 सेकेंड्स बचा है, तो इसको ब्रेक कर देता हूँ मैं सबसे पहले। तो मैं ज़्यादा कुछ काम तो नहीं किया हूँ, एक दिन हो चुका है यार के में। सो मैं बेसिकली थोड़ा टॉक्सिकेंट टैरो बना लिया, और थोड़ी बहुत पॉलीमर्स इकट्ठे किए हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा रिसोर्सेस इकट्ठा किया हो बस एक दिन होने के टाइम में। सो चलो इंतज़ार करते हैं, हमारा बच्चा निकल के आ गया। एक इधर है, ओके इधर है छोटा सा साइबर टूथ, कितना क्यूट लग रहा है। सो सबसे पहले इसको क्लेम कर देते हैं। सो ओके 208 लेवल का ठीक ठाक है, इसका हेल्थ भी ठीक ठाक है। सो एनेबल वॉन्डरिंग बंद कर देते हैं इसका। ओके ये मुझे फॉलो कर रहा है, तो चलो लेके चलते हैं इसको।
अरे आजा। इसका 100% इम्प्रिंट किया तो आपको अराउंड 1000 या 1500 तक का हेल्थ भी बढ़ जाएगा इसका। लेट्स सी इसका कितना पड़ता है, डिपेंड्स ऑन योर क्रिएचर्स। आप किसके साथ टेम करते हो ना उसका डिपेंडेंट रहता है। किस तरह आपका जानवर का इम्प्रिंट बढ़ता है, इम्प्रिंट होने के बाद कितना लेवल बढ़ता है या कितना ये होता है। मेरे पास थोड़ा मीट है, इसके अंदर रख देता हूँ क्योंकि वरना ये मर जाएगा। ये बच्चा है फिर भी कितना खतरनाक लगता है देखने में। आप जब भी ब्रीड करते हो ना तब बच्चे के अंदर ये रख दो, मतलब मीट, क्योंकि वो मरने का चांसेस रहता है, मतलब मर जाएगा। 2-3 मिनट के अंदर आप नहीं रखे तो मर जाएगा। जैसे ही आप किसी भी जानवर का ब्रीड कराते हो ना तब उस जानवर क्या खाता है उसके हिसाब से आप ये रख दो, मतलब मीट खाता है तो मीट रख दो या बेरीज खाता है तो बेरीज रख दो, वरना वो मर जाएगा। आप इनके पेरेंट्स का भी नाम और लेवल देख सकते हो। ये देखो एंसेस्टर के ऊपर दबाया तो सभी चीज़ें आ जाता है। चलो इसको थोड़ा रुका देते हैं सबसे पहले तो। रुक गया। और मुझे 5 कैंडीज मिले थे, वो कौन सा लूप में पता नहीं है बट मिले थे मुझे 5 कैंडीज, वो भी है ये देखो। इसके मदद से आप ब्रीड करा सकते हैं, मतलब जल्दी ही इम्प्रिंट करा सकते हैं। मेरे ख्याल से 5 कैंडी काफ़ी होगा एक डाइनोस के लिए। आपको कैंडीज चाहिए तो आपको ख़रीदना पड़ता है शॉप से, या इसका ब्लूप्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। आपको बेसिकली क्या करना है कि इसके इन्वेंट्री में कैंडी रखना है और इसको खिला देना है। ये देखो इम्प्रिंटेड 25%। इसको इम्प्रिंट कराने के लिए ऊपर दिख रहा होगा आपको वांट केबल आ रहा है। इसको अब गैलीमिमस का केबल चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले मुझे एक शेफ स्टेशन खरीदना होगा क्योंकि मेरे पास ये करने के लिए, मतलब केबल खिलाने के लिए कुछ नहीं है। इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ऊपर आ रहा होगा कि वांटेड ये, मतलब जो केबल खाना चाहता है वो केबल। हमारे पास गैलीमिमस का केबल आ चुका है तो इसको पिकअप कर देता हूँ। फिर से मुझे एक ये खिलाना होगा इसको, इसके इन्वेंट्री में रखना होगा और इसको खिलाना होगा आपको। बट वहाँ पे टाइमर आता है तो उस टाइमर के अंदर ही आपको खिलाना होगा, मतलब वो टाइम ख़त्म होने के बाद आपको खिलाना होगा। ये देखो आप जैसे ही कैंडी खिलाते हो वो टाइमर स्किप हो जाता है। ये देखो फिर से 25% इम्प्रिंट हो चुका है। ऑलरेडी 49% इम्प्रिंट हो चुका है। सबसे पहले ये ले लेता हूँ और एक और कैंडी खिला देता हूँ मैं। अब ये पूछ रहा है कि रैप्टर का एक केबल खाना चाहता है। वो भी निकाल लेते हैं रैप्टर का केबल। अब हम हार्डकोर सर्वाइवल पे खेल रहे हैं इसलिए मुझे ये सभी करना होगा कि हमारे पास एक साइबर टूथ है वो हाई लेवल का हो और सामने आने वाले क्रिएचर्स को थोड़ा टक्कर तो दे सके, मतलब हाई लेवल का क्रिएचर्स। इसलिए मैं ये सभी कर रहा हूँ, आए सेफ स्टेशन सब कुछ। फिर से इसके इन्वेंट्री में रखना होगा एक रैप्टर का केबल और इसको खिलाना होगा। अरे ओके खिलाया क्या, ओके कोई बात नहीं, थोड़ा ग्लिच था वो। अब क्या चाहिए इसको, केडल करना है इसको तो खिला दिया। और केडल करने के लिए टैप करना पड़ता है तो टैप कर दिया। ओके 98.7% हो चुका है। अब इसको चलना है तो चलो एक और बार कैंडी खिला देते हैं इसको, थोड़ा दूर तक ले चलते हैं। और एक ही कैंडी बचा है हमारे पास, कोई बात नहीं, मेरे पास 20 एम्बर्स तो बचा था इसलिए मैं ये सेफ स्टेशन खरीदा हूँ। चलो अब इसको वॉक करना है तो लेके चलते हैं थोड़ी दूर तक। अभी तक टाइमर चल रहा है तो मुझे खिलाना पड़ता है, एक और बार खिलाना पड़ता है। सारा कैंडीज ख़त्म हो चुका है हमारे पास तो कोई बात नहीं, बट हमारे पास एक हाई लेवल का अच्छा इम्प्रिंट वाला साइबर टूथ मिल जाएगा। ओके गाइस एंड गर्ल्स, हमारा साइबर टूथ फाइनली इम्प्रिंट हो चुका है और इसका हेल्थ देख सकते हैं 3K का हो चुका है। सबसे पहले इसका 2.5 या 2 तक था, अब ये 3 का हो चुका है। जैसे ही इसका लेवल बढ़ता जाएगा तो वैसे ही इसका ये भी करेंगे, मतलब लेवल भी बढ़ाएंगे इसका हंट वंट करा के।
जब तक ये बड़ा होने देते हैं। और ब्रीडिंग कराना बहुत ही आसान है, बट इसको इम्प्रिंट करा के इसका बड़ा करना है ना, बहुत ही टाइम लग जाता है। सो अभी तक 5% ही मैच्योरेशन हो चुका है। सो मुझे ऑफलाइन में एक और बार ब्रीड कराना होगा इसके साथ, या मैं एक और टेम करने वाला हूँ तो उसके साथ ब्रीड कराएंगे। सो फाइनली गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं एक साइबर टूथ को टेम कर रहा हूँ। सो फाइनली बॉयज एंड गर्ल्स, हमारा साइबर टूथ टेम हो चुका है और ये हो चुका है 154 लेवल का, और ये फीमेल है। और मेल इससे भी हाई लेवल का दिखा था, बट हमें मेल नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दो मेल है। सो इसलिए मैं इस फीमेल को टेम करके लेके चल रहा हूँ मेरे बेस पे, और इसका भी ब्रीडिंग कराएंगे हम। मतलब मैं ऑफलाइन में कर दूंगा क्योंकि अभी एक ही पूरी तरह से ब्रीड नहीं हुआ है, मतलब पूरा इम्प्रिंट हुआ है, बस 100% इम्प्रिंट हुआ है बट मैच्योर नहीं हुआ है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इसलिए मैं ऑनलाइन में नहीं करने वाला हूँ। सो ये सब मैं बियॉन्ड स्क्रीन करने वाला हूँ, और जैसे ही मुझे एक हाई लेवल का साइबर टूथ, हाई मेली डैमेज और हाई हेल्थ का साइबर टूथ मिल जाता है, तो मैं आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे वहाँ पे इसका स्टैट्स डाल दूंगा, मतलब स्क्रीनशॉट लेके इसका स्टैट्स डाल दूंगा। सो क्योंकि अभी तक हमारा छोटा जो बच्चा है अभी तक ओके अभी भी 20% हो चुका है। सो ये है इसका माँ, सो बीच में खड़ी है, तो इसको भी हम ब्रीड कराएंगे, मतलब अभी अभी जो लेके आए। और एक बार ब्रीड कराने के बाद उसके ऊपर टाइमर लग जाता है कि उतने देर तक आप फिर से ब्रीड नहीं करा सकते, सो इसलिए मैं इसको टेम करके लेके आया हूँ। मैं 3-4 बार ब्रीडिंग कराने वाला हूँ और उसके बाद एंड में देखेंगे कि किस तरह हमें ये निकलता है, मतलब किस तरह का साइबर टूथ मिल जाता है हमें ब्रीडिंग कराने के बाद। सो वो सभी मैं आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे इन्फॉर्म कर दूंगा। सो इसलिए मिस नहीं करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए। और अगले एपिसोड में हम या कि थेरिजिनोसॉरस को टेम करेंगे या हम साउदर्न केव में जाएंगे, ये दोनों में एक करेंगे इस हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ नए गेमिंग एपिसोड के साथ। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय। और उसी के साथ ही मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम जल्दी ही नया नया इवेंट रखेंगे और नया नया कॉन्टेस्ट कराएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस एंड गर्ल्स, सो गुड बाय।